सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर हम धर्म के प्रति जानेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे, और जब आप धर्म के प्रति नहीं जान पाएंगे तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या सौंपेंगे। चलो वृद्धों का तो समझ आता है कि उन्होंने भरपूर सत्संग लिया है, लेकिन आज की अवस्था में भक्ति भी अगर होगी और ज्ञान नहीं हुआ तो आप भटक जाएंगे, क्योंकि जीवन में भक्ति होना ही केवल आवश्यक नहीं है, ज्ञान उसकी आधारशिला है। तो जीवन में भक्ति के साथ ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं जब तक किसी चीज के विषय में आपको पता नहीं चलेगा ना, आपको साधारण लगेगा। जैसे आप अभी रास्ते में आ रहे हैं, अचानक से आपको अंगूठी दिखे सुंदर सी चमकती हुई, और आपको उसके मूल्य के बारे में नहीं पता, आपको ये भी आइडिया नहीं है, ये भी एक पता नहीं कि ये सोने की है, चांदी की है, नकली है, तो क्या होगा? आप उठाएंगे उस चमकदार अंगूठी को, देख के कहेंगे बड़ी सुंदर डिजाइन की होगी, कोई 20-25 रुपया की, तुरंत अपनी जेब में डाल लेंगे, क्योंकि आपको उसका महत्व नहीं पता। तो अभी आपने वो अंगूठी देखी, सुंदर थी, लेकिन उससे अभी प्रेम नहीं हुआ, बस आपने उसकी सुंदरता को देख के रख लिया है जेब में। लेकिन एक दिन आप सुनार के पास जाएं और कहें ये अंगूठी हमें मिली थी, बताइए किस धातु की है, तो वो कहे नहीं ये सोने की है, इसकी कीमत 5,000 रुपये है। तो थोड़ी कीमत बड़ी और प्रेम हुआ, ये 25 रुपये वाली नहीं है तो 5,000 रुपये वाली है, कीमत बढ़ते ही प्रेम हो गया। एक दिन एक जौहरी आए और इसने फिर वो अंगूठी दिखाते हुए कहा कि ये बताइए किस धातु की, इसमें पत्थर जो लगा है ये क्या है? तो उसने कहा ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है, इसकी कीमत 5,00,000 है। अब क्या होगा, वो 5,000 से 5,00,000 पहुंच गई, तो और ज्यादा प्रेम हो गए। क्यों? क्योंकि उसकी महत्वता पता चल गई। ज्ञान होने से क्या होता है, महत्व का पता चलता है। उसी प्रकार जब भगवान केवल मानोगे भगवान है भगवान है, तो फिर भगवान लोग सोचते हैं अरे वही भगवान जो जन्माष्टमी रामनवमी वाले दिन पूजते हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाता है, फिर कोई श्रद्धा नहीं आएगी, कोई प्रेम नहीं आएगा। लेकिन जब इन शास्त्रों के द्वारा, जैसे उन जौहरियों के द्वारा उस अंगूठी के विषय में पता चला, उसी प्रकार शास्त्रों के द्वारा भगवत चीजों के विषय में पता चलता है, जिसको आप पकड़ कर बैठ रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है, क्या है, बहुत विशेष है, बड़ी कीमती वस्तु, कीमती चीज है, एक बार आ जाए तो निहाल कर देती है, जीवन बदल कर रख देती है, तो फिर भगवान से प्रेम होने लगता है।